वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं प्रीति द्विवेदी शुक्ला आज आप सबके मध्य संस्कार भारती कानपुर प्रांत के द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम लेकर उपस्थित। संस्कार भारती जिसकी स्थापना सन 1981 में हुई थी और संस्कार भारती जो सर्वे भवन्तु सुखिना के कार्य पर अग्रसित होकर अपने सारे कार्य करती है, तो उस संस्था ने इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। उस कार्यक्रम को संस्कार भारती को समर्पित कुछ पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। कि सब कलाएं रस भरी जीवन के रंग निखारती, मनुहारती पुचकारती मानव सुमन सवारती। पर आज संकट की घड़ी है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों से परिस्थितियां बड़ी ही विषम रही हैं। बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे उनके जीविकोपार्जन के साधन छिन, तो उन्हीं कलाकारों के उत्थान के लिए, विकास के लिए, उन साधनों को पुनः जुटाने के लिए संस्कार भारती ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। कि पर आज संकट की घड़ी है, आपदा सर पर पड़ी है, चलो हम फिर उठे जागे साथ साथ कदम हो आगे, सबके मुख पर मुस्कान आए हार में भी हम जीत जाएं, फिर सुहानी सुबह निश्चित ही आएगी। संस्कार भारती की ये पहल निश्चित ही रंग लाएगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आग्रह करती हूँ श्री अनु चलोटा जी से कि वो संस्कार भारती के लिए इस कार्यक्रम के लिए दोषी। श्री चलोटा जी। संस्कार भारती कानपुर केंद्र बहुत अच्छा काम कर रही है। कलाकारों की मदद, कलाकारों का मनोबल बढ़ाना, ये हम सबका फर्ज है और हम सभी मिलकर ये काम करते रहे तो बहुत ही अच्छा है। संस्कार भारती तो कितने ही वर्षों से इसी सेवा में लगी हुई है। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सुंदर कार्यक्रम भी आयोजित हो रहा है और उसमें मेरे शिष्य प्रवीण कुमार गाएंगे। प्रवीण कुमार बहुत अच्छा गाते हैं, ईश्वर ने उनको बहुत अच्छी आवाज दी है, बड़ी सूझबूझ दी है, तो मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत आभार आदरणीय श्री अनूप जलोटा जी। और इसी के साथ हम अपने आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ श्री आशुतोष पांडे जी को, जो संगीत की एक ऐसी विधा जो कि अति प्राचीन है, या फिर मैं कह सकती हूँ प्राचीनतम है, उसको लेकर हमारे बीच उपस्थित है, जिसका नाम है ध्रुपद। ध्रुपद, जैसा कि नाम से ही आप सबको ज्ञात हो रहा होगा, ध्रुव धन पद। ध्रुव मतलब अटल और पद मतलब साहित्य। साहित्य में हम सबने पदों को सुना होगा और देखा होगा कि वो गायन की वो विधा जिसमें साहित्य की अधिकता हो। और सामान्य रूप से हम जानते हैं कि ध्रुपद को गायन शैली में सबसे क्लिष्ट आंका जाता है, सबसे कठिन आंका जाता है। तो उसी विषय को, उसी गायन पद्धति को हम सबके मध्य रखने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री आशुतोष पांडे जी को। आशुतोष पांडे जी। आशुतोष पांडे, सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ संस्कार भारती का, जिन्होंने मुझे अपनी संस्था में गाने का सुअवसर प्रदान किया है। आज की प्रस्तुति में मैं राग केदार में ध्रुपद गायन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें भी 4 खंडों के राग करूँगा संक्षिप्त में। और उसके उपरांत अपने पूज्य गुरु जी पंडित श्री विनोद कुमार द्विवेदी जी द्वारा स्वरचित बंदिश, जो कि सूर ताल में निबद्ध है, इसके बोल इस प्रकार हैं। जय जय हनुमान महाबली महान, पवन तनय प्रतापी मंगल सुख धाम। जय जय हनुमान।
अतुलित बलहां हेम शैला रघुपति प्रिय वात जातम नमः Ah,
Yeah.
जय जय हनुमान। बहुत ही सुंदर ध्रुपद गायन प्रस्तुति जिसमें पखावज में संगत की थी श्री मुकेश कुमार द्विवेदी जी। और इसी के साथ हम लोग अपने आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर सुषमा वाजपेयी जी को, जो कि उप शास्त्रीय संगीत की वह पद्धति हमारे बीच लेकर आ रही हैं जो भावनात्मक रूप से बहुत प्रधान होती है। उस पद्धति के अंतर्गत ठुमरी दादरा जैसी विधाएं आती हैं, तो मैं आमंत्रित करती हूं डॉक्टर सुषमा वाजपेयी जी को। उनके साथ तबले पर संगत की है अरविंद श्रीवास्तव जी ने और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं ऋषि राज जी। सुषमा वाजपेयी जी को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। संस्कार भारती संस्था के हम हार्दिक आभारी हैं कि हमें ये सुअवसर प्राप्त हुआ। इस पूरे कोरोना काल में हम सब लोग कलाकार लोग इतने ज्यादा ऊब चुके थे कि एक थोड़ा सा तपते तवे पर एक होश की बूंद की तरह लगी ये चीज की सराहनीय कार्य है कि समाज में एक संगीत की धारा बह रही है। हमारे साथ हारमोनियम पर हैं श्री ऋषिराज जी और तबले पर हैं डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव जी। तो सबसे पहले हमें दादरा प्रस्तुत कर रहे हैं राग खमाज में। कहाँ गिरी मोरे माथे की बिंदिया, आ
कल्याण राग में भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। हरी रंग लागा मेरे मन का संशय भागा, हरी रंग लागा। No.
चलियो है तेरो दो दिन को मेहमान नारी चंद्र समान
मन मूढ़ अमित जन भटके रे मन मूढ़ अमित जन भटके मेरो करो अभिमान मेरो करो अभिमान मेरो करो अभिमान नारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति डॉक्टर सुषमा वाजपेयी जी के द्वारा। अब हम भजनों का और कुछ लोकगीतों का आनंद लेते हैं श्री प्रवीण सिंह जी के द्वारा, जो कि कानपुर के बहुत ही प्रसिद्ध भजन गायक हैं और आप श्री अनूप जलोटा जी के शिष्य भी हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ श्री प्रवीण सिंह जी को। नमस्कार। संस्कार भारती कानपुर प्रांत के सभी गणमान्य पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इतना सुंदर कार्य करने के लिए एक बीड़ा उठाया। कोरोना जैसी महामारी में जो कलाकार परेशान हुए हैं, जिन्होंने सफ़र किया है, उन्हीं के लिए ये प्रोग्राम हो रहा है। इसमें मुझे अवसर दिया गया, इसके लिए मैं भी धन्यवाद देता हूँ और शुरू करता हूँ आज के इस भजन संध्या को और अपने प्रातः स्मरणीय गुरुवर पद्मश्री श्री भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा जी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और भजन को शुरू करता हूँ। पानी सारे सारे गारे पामा गारे गारे मा पानी पानी सारे नीदा पाधा मारे पामा गारे गारे आज मोहे रघुबर की सुधी आई आज मुझे रघुबर की सुधी आई रघुबर की सुधी रघुबर की सुधी रघुबर रघुबर की सुधी रघुबर की सुधिया आज मुझे रघुबर की सभी माताएं बहुत परेशान है, बहुत दिनों से अपनी आंखों के तारे भगवान श्री राम को सीता जी को और लक्ष्मण जी को नहीं देखा,
वही भाव यहाँ पे प्रकट हुए हैं। आगे आगे राम चलत हैं, आगे आगे राम चलत हैं, चलत है उनके पीछे लखन चलत है, विपद कही ना जाए रघुबर की। शब्दों पे विशेष ध्यान चाहूंगा। राम बिना मोरी सुनी अयोध्या, राम बिना मोरी सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुराई, लक्ष्मण पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। इन पंक्तियों में गुरु जी के आशीर्वाद से कुछ मैंने प्रयास किया है, ध्यान चाहूंगा आप सभी का। सावन गरजे भादो राग बसंत, राग बहार और सदा सुहागिन राग भैरवी इसमें थोड़ा सा दिखाया है। सावन गरजे भादो बरसे, पामा बधमा सावन गरीजे आदो बरसे, सावन गरजे 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 गरजे, सावन गरजे आदो बरसे, पवन चले
अब प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने एक लोकगीत। बहुत ही सुंदर शब्द है इसके, ध्यान चाहूंगा आप सभी का। हाँ मोरी कोरी चुनर रंग डारी रे, मोरी कोरी चुनर रंग डारी रे, मत मारो शाम पिचकारी। हाँ मत मारो शाम पिचकारी। हाँ मोरी कोरी चुनर रंग डारी रे, जात ही मैं जमुना जल भरन जात ही, मग में मिले मुरारी। लपक जपक मोरी चुनरी खैचे, लपक जपक मोरी, लपक जपक मोरी चुनरी खैचे, और सुनावे गारी, और सुनावे गारी। ऐसी दुर्गति, ऐसी दुर्गति करी गिरे धारी ने, मत मारो शाम पिचकारी। हाँ मत मारो शाम पिचकारी। की शरारतों से सभी गोपियां बहुत परेशान हो गईं। सबने मिलकर एक योजना बनाई कि नंद बाबा के पास चलते हैं, उनसे शिकायत करते हैं और जाती हैं। जाए कहूंगी मैं नंद बाबा सो, जाए कहूंगी मैं, जाए कहूंगी नंद बाबा सो, ये सब बात तुम्हारी, ये सब बात तुम्हारी। राह चलत मोरी वही अमरोरी, राह चलत मोरी, राह चलत मोरी, राह चलत मोरी, राह चलत मोरी, राह चलत मोरी वही अमरोरी, और सुनावे गारी, और सुनावे गारी। ऐसी दुर्गति, ऐसी दुर्गति करी गिरे धारी ने, मत मारो शाम पिचकारी। हाँ मोरी कोरी चुनर रंग डारी ने, मोरी कोरी चुनर रंग अभी आप सुन रहे थे श्री प्रवीण सिंह जी के द्वारा गाए हुए कुछ बहुत ही सुंदर भजन और लोक। इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को अंतिम स्वरूप प्रदान करते हैं और बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कार भारती के कानपुर बुंदेलखंड प्रांत के द्वारा किया गया है। इस प्रांत की विशेष लोक शैली को दर्शाते हुए कुछ कार्यक्रम अब आप सबके मध्य रखे जाएंगे, तो मैं आमंत्रित करती हूँ श्री गणेश बुंदेलखंडी गम्मत मंडल व उसके सहयोगी कलाकारों को कि वे अपनी कुछ विशेष प्रस्तुतियां आज के इस कार्यक्रम में दें। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ एक देशभक्ति गीत जिसके बोल हैं, महारानी झांसी की रानी रण में जौहर पारे, वो प्रस्तुत करें। इस गीत में साथी कलाकार हैं श्री सीताराम कुशवाहा जो कि मुख्य गायक हैं, और साथ ही नगड़िया
वाद्य बजा रहे हैं, और इसके साथ हैं श्री अतर सिंह जो हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं श्री रमेश मास्टर जो ढोलक पर संगत कर रहे हैं, और साथ में श्री जीवन परिहार और श्री सुबोध खरे जी। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आप सबको एक विशेष प्रस्तुति जो कि एक देशभक्ति गीत है, आए और प्रस्तुत। Thank you.
बहुत ही सुंदर लोकगीत की प्रस्तुति जिसने हम सबको बुंदेलखंड प्रांत से जोड़ा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक बुंदेलखंडी सोहर की तरफ जिसके बोल हैं आज दिन सोने को महाराज। इन सभी साथी कलाकारों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ श्री सीताराम कुशवाहा जी को कि वो आए और इस सोहर को प्रस्तुत करें। बैठक सुमरो सरस्वती और जगत मना की सब संगत की गंग में इस दिन करो स्नान और मन निर्मल हो जाए भैया तो भूल के पास।
बहुत बहुत ही सुंदर सोहर जो वास्तव में मुझे तो झूमने पर मजबूर कर गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं एक लांगुरिया गीत की तरफ जो बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। तो उस गीत के बोल हैं, लांगुरिया तेरी एक न मानूंगी, भवन में छम छम नाचू। तो प्रस्तुत है एक लांगुरिया गीत। लांगुर में तो नाचूंगी, और लांगुर बोला कोई नाचने वाचने का काम नहीं है यहाँ, लेकिन वो बोली मैं तो नाचूंगी। मैं तो भाई ये लोग बात नहीं मानो, लेकिन मैं नाचो लांगुरिया तेरी एक न मानूं, लांगुरिया तेरी एक न मानूं, भवन में
और इसी बहुत ही सुंदर लांगुरिया के साथ हम अपने आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। और सबसे पहले आप सभी शोधी श्रोताओं को बहुत बहुत आभार जो आप सब हमारे साथ जुड़े, अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। और आप सभी कलाकारों को भी बहुत बहुत आभार जिन्होंने इतना सुंदर गायन प्रस्तुत करके हम सबको भाव विभोर किया। और हृदय की गहराइयों से संस्कार भारती विशेषता कानपुर बुंदेलखंड प्रांत को बहुत बहुत आभार जिसने इस बहुत ही विशेष बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। आप सबको पुनः बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।